एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है संडे एंड आज संडे बहुत ही ज़्यादा बिजी होने वाला है बिकॉज आज बहुत सारे काम है। सबसे पहले तो पूरे घर की डीप क्लीनिंग, बिकॉज एवरी संडे, बिकॉज वीकडेज में तो हमें टाइम नहीं मिलता इतना, तो हम थोड़ी थोड़ी कर देते हैं क्लीनिंग, बट एवरी संडे हम करते हैं पूरे घर की डीप क्लीनिंग, चकाचक कर देंगे पूरा। एंड उसके बाद हमें जाना है ग्रोसरी लेने, बिकॉज वो भी हम वीकेंड पे ही जाते हैं, सो ग्रोसरी लेके आएंगे। एंड उसके बाद भी हमें एक दो काम है मॉल में, वहाँ पे जाएंगे। एंड सो आप देखते रहना आज हम पूरा दिन क्या क्या करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा बिजी होने वाला है हमारा संडे आज। सो स्टे ट्यून गाइज एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय। गाइस, क्लीनिंग इज डन एंड अभी हमें लग गई थी भूख एंड साथ में मैंने बना दिए चावल। मैंने इसके अंदर सोयाबीन, मटर, आलू सारी चीज़ डाल के बड़े अच्छे बनाए थे। सो क्लीनिंग भी डन हो गई एंड इधर करी थी इशू क्लोथ्स फोल्ड एंड थोड़े बहुत क्लोथ्स को आयरन, तो साथ के साथ हम गाइस क्लीनिंग हो गई है डन, पूरा घर चमक गया है, मैंने आप सबको भी दिखाया। एंड अभी हम जा रहे हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने, सो वहाँ पे जाके मिलते हैं। सो गाइस, हम आ गए थे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, बिकॉज वीकेंड्स पे ही हमें टाइम मिलता है तो हम साथ में ले आते हैं। सो मैंने सबसे पहले देखा यहाँ पे राखी का भी स्टॉल लगा हुआ था, बिकॉज रक्षाबंधन आने वाला है एंड आप खुद ही देख सकते हो बहुत सारी राखी थी, बहुत ही अच्छी अच्छी राखी यहाँ पे थी एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। एंड अच्छा, आप सबको भी दिखा देती हूँ बिकॉज आप सबको ये डाउट होता है कि वहाँ पे ऐसी चीज़ें मिलती भी हैं नहीं या इंडिया से ही भेजनी पड़ती है, तो आप खुद ही देख लो गाइस, यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती है। होली है तो होली का सामान आ जाएगा, दिवाली है दिवाली का, रक्षाबंधन है रक्षाबंधन, एंड यहाँ पे मेहंदी भी थी एंड 1.29 सेंट, $1.29 की, तो सही था मतलब। सो मुझे तो मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने तो एक ले ही ली। एंड यहाँ पे थे काफ़ी सारे फ्लावर्स जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो हमारी हो गई थी ग्रोसरी डन एंड अभी हम जा रहे हैं सीधा घर पे। एंड जाते जाते मैंने सोचा कुछ ले लेते हैं, हम दोनों की फेवरेट है चॉकलेट चिप कुकी, तो हमने टिम हॉर्टन्स पे से वो ली एंड एक कॉफ़ी ली एंड हमारी हो गई है ग्रोसरी डन। अब चलते हैं घर पे बिकॉज ईशू का मन कर गया एकदम कुछ मीठा खाने का, तो वो बनाते हैं। हम आ गए थे घर पे सारी ग्रोसरी लेके एंड अभी हम क्या बनाने वाले हैं, आज आटे का हलवा, बहुत दिनों से मन कर रहा था मेरा, तो अभी हम बनाएंगे आटे का हलवा। मैं थोड़ी बहुत रेसिपी शेयर करूंगी, बहुत इजी होता है क्योंकि मैं सेकंड टाइम बनाने वाली हूँ, लेट्स सी कैसे बनता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, घी। सो मैं ये यूज़ करती हूँ घी के लिए, ये बटर है अनसोल्टेड वाला एंड मैं इसका घी बनाऊंगी, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ। सो इसको अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेंगे पहले, ठीक है, हो जाए जल्दी, टाइम लगेगा गाइस थोड़ा, बट कोई नहीं, इसको मेल्ट करके इसको छान के एंड स्टोर कर देंगे, बन जाएगा हमारा घी। एंड शू इस आटे का हलवा बनाएंगे तो ये आटे को आटा भुनना इतना या। एंड इधर घी भी हमारा हो गया रेडी, चाशनी बन रही है एंड इधर तब तक मैं थोड़े ड्राई फ्रूट्स कट कर लेती हूँ। सो गाइस देखो, मैंने फाइनली चॉप कर लिया ये अच्छे तरीके से, हलवे में अगर ड्राई फ्रूट्स ना होना तो मज़ा नहीं आता, प्लेन प्लेन लगता है। सो ये हम डाल लेंगे एंड मेरी स्किल देखो, कटिंग स्किल्स इधर आके ये भी मेरी इम्प्रूव हो गई है। wow. लगता है जब मैं इंडिया जाऊँगी मैं पूरी शेफ बन जाऊँगी इतने। मेरे घर वाले पूछते हैं तो क्या क्या बना लेती है, मेरे पापा वीडियो देखते हैं वो बोलते हैं तू बड़ी कुकिंग करती है, इधर आएगी तू ही बना बना के खिलाई हो हमें। सो भाई साहब देख लो, अभी देख लो सारे, तो घी हमने इसमें ऐड कर लिया, ये ब्राउन सा हो गया, अब इसमें ऐड करेंगे हम चाशनी। आई थिंक इट्स इनो, फिर बाद में बात ज्यादा डाल देंगे, मुझे इतना वो नहीं है, ज्यादा डाल दे अपने अभी से ही। नहीं ज्यादा नहीं, चाशनी है ना ये, ऐसे बनेगा। सो ये बनता है हमारा हलवा एंड इसके अंदर हम थोड़ा सा और घी ऐड कर देंगे अभी, पहले ये तो अच्छे से मिक्स कर ले। नहीं घी ऐड करके करना है, मैंने वीडियो देखी। सो इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स मिक्स मिक्स, बड़ा इजी होता है हलवा, दूसरी बार बना रही हूँ मैं, बस आलस ही आता है, वैसे तो इजी होता है। चाशनी और डलेगी इसमें, चाशनी मेन है गाइस,
वैसे शुगर नहीं डालते इसके अंदर, चाशनी डालते हैं। सो इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स एंड बिल्कुल टेस्टी सा हमारा हलवा बन जाएगा भाई। बस सो गाइस हमारा हो गया हलवा रेडी एंड इसके ऊपर से अभी हम घेर देंगे ड्राई फ्रूट्स। देखो कितना ज्यादा टेस्ट। अब इसके बाद घी डालना है दोबारा, फिर मिक्स होएगा ये। भाई साहब हलवा हो गया, पापा दादा मम्मी सारे देख लो सुन लो, मन और गुड्डू ने मिलकर बनाया है हलवा। इसने बस फोन पकड़ा है, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा बता तो मैं रही कितना घी डालना कितनी चीनी डालनी। यूट्यूब पे वीडियो देखी है, ओवर एक्टिंग नहीं, तेरी तारीफ निशान होगी यूट्यूब की विषय। सो मिक्स करके अभी हम करेंगे हमारे हलवे को मिक्स कर ले पहले। मिक्स नहीं यार, ऊपर आएगा अच्छा लगेगा वो बाद में डालेंगे जब घी डाल दे थोड़ा सा पहले। इसको अब हम कवर करके रख देंगे एंड मैं दिखाती हूँ कैसा बना है, जनरल रिव्यू दूंगी कि मैंने बनाया है। सो गाइस अब मैं बताती हूँ टेस्ट करा नहीं पहले मुंह में जाती हूँ, टेस्ट कर ले पहले। लिटरली इतना ज्यादा टेस्टी, ना तो ज्यादा मीठा और ना ज्यादा, बहुत टेस्टी बना यार ये तो। फिर मीठा खाने का जी करे जा हमारा, यूं ही नहीं बना ले। पूछते हैं दिए देख रही है इधर महाभारत स्टार्ट करी है इसने, रील देख के इम्प्रेस हो गई थी। बता खा के कैसा लगा किसर, सही बता दे तारीफ हूँ भी तेरे मुंह तली कर दी, खा खा ले होगी हर बारी। कैसा लगा सीरियसली पूछ रही अच्छा। सो अब हम खाते हैं गाइस हलवा। कॉपीराइट नहीं आ जा रहा इसमें? नहीं नहीं इसमें क्या आएगा, एक सेकंड की वीडियो में सॉन्ग थोड़ी ना ही है। हम आ गए गाइस तैयार होके मॉल में एंड ये दो बिल्डिंग दिख रही है ना फेमस वाली, ये मिसेस आगा में यही सारे वीडियोस बनाते हैं इधर आके। सो हम आ गए थे आज के वन जो मिसेस आगा है मॉल, तो मैंने ज़्यादा क्लिप्स नहीं लिए गाइस क्योंकि इतना टाइम नहीं मिला। हम कर रहे गाइस वेट अपने खाने के लिए, 20 मिनट तो हो गए ऑलरेडी, अभी तक आया नहीं कुछ। एंड गाइस 20 मिनट की वेटिंग के बाद हमारा खाना आ गया था, हमने अमृतसरी कुलचा मंगाया था, इसमें हमें मिला छोले रायता ये सब अचार वगैरह। खा पी के गाइस हम चल पड़े घर पे एंड वेदर देखो कितना ज़्यादा ज़बरदस्त हो रहा है, समर्स तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है इधर। तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग एंड हमारा संडे ऐसे फिनिश हो गया एंड फिर वही वीक डे स्टार्ट हो जाएंगे। सो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा भी लगा होगा। सो हमारे चैनल को लाइक भी कर दिया करो, कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करो। आवाज़ आ रही है दिमाग से। सो बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करो ताकि जब भी हम व्लॉग डालें आप सबको पता चल जाए। सी यू गाइस अगले व्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।